अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इट्स ज़ैनब्स वर्ल्ड। और सबसे पहले छोटा सा एक इंट्रो, आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा पहले भी एक चैनल है। जो लोग मुझे जानते हैं पहले से उन्हें बखूबी पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, मैं आपको बता देती हूँ। मेरा चैनल है यूट्यूब पर और ब्यूटी वर्ल्ड के नेम से है। अगर आपने मुझे जानना है तो आप मेरा वो चैनल विज़िट कर लीजिए, उसमें आपके साथ मैं मार्केट्स का रिव्यू शेयर करती हूँ। इसके अलावा आपके इस्तेमाल की तमाम चीज़ें, एसेसरीज़ वगैरह, तमाम चीज़ों का रिव्यू करती हूँ। तो अगर आप मुझे जानते हैं वहाँ से तो आपको पता होगा। और आज जो है ये चैनल स्टार्ट मैंने किया है और इसका फर्स्ट व्लॉग है। बेसिकली ये चैनल बनाने के पीछे मेन रीज़न सिर्फ मेरा अपना ये था कि मैं आप सबके साथ इंडिविजुअली बात कर सकूँ, क्योंकि उस चैनल पे जो है वो प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बात होती है, तो इस तरह के व्लॉग्स जो हैं वो उस चैनल पे मेरे ख्याल से कुछ सूट नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैंने आप सबके साथ ये चैनल आप सबसे बात करने के लिए बनाया। तो होपफुली आप सब मुझे यहाँ पर मुझे टाइम देंगे और उतना ही प्यार देंगे जितना उस चैनल पर दिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस लीजिएगा। अच्छा, चैनल बनाने के पीछे एक और वजह भी ये थी कि मैं आप सबके साथ जा रही थी कि जहाँ कहीं जाती हूँ वहाँ का जो बैक का व्यूज़ होता है, यानी कि आपको लोकेशन वगैरह जो होती है डिटेल, वो उस चैनल पे बता दिया करूँ। अच्छा, आपको साथ साथ जो फुटेज है वो भी चल रही है वो भी बताती जाती हूँ। ये जो है आपको जो शूट नज़र आ रहा है, बेसिकली ये एक अबाया शूट है और मैं यहाँ पर गई थी। इनका जो अबाया कलेक्शन है आपको जल्द ही मिलने वाली है चैनल पर, होपफुली कि कल ही मिल जाए। सो आपने ज़रूर देखना है, ब्यूटी वर्ल्ड चैनल पर मिलेगा आपको। इस व्लॉग में मैं इनके शूट पे गई थी तो वहाँ पे मैंने इस थोड़ी बहुत क्लिप बनाई, बाकी इनका जो व्लॉग है और इनकी पूरी कलेक्शन आपको मेरे ब्यूटी वाले चैनल पे मिलेगी इंशाल्लाह, कल परसों में आ जाएगी, आपने ज़रूर चेकआउट करना है। बाकी ये कि कुछ हैं वो मैं इनकी क्लिप्स वगैरह आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर देख लें। कैसा लगा आपको ट्रेलर? तो ये छोटा सा एक ट्रेलर था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आपको इसकी कंप्लीट वीडियो जो है मेरे ब्यूटी वर्ल्ड चैनल पे मिलेगी, इस चैनल पे नहीं मिलेगी। आपने ज़रूर चैनल को देखना है, इंशाल्लाह कल तक मैं वो वीडियो पोस्ट कर दूंगी अबाया कलेक्शन की, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे चैनल का। अच्छा, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब है वो मुझे मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो आगे आई हूँ मैं एट्रियम मॉल और यहाँ पर इस बात का मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो व्लॉगर्स जो मतलब पब्लिक प्लेस में वीडियो बना रहे होते हैं, हैट्स ऑफ यार उन सब के लिए कि वो इस तरह वीडियो बना रहे होते हैं। बहुत मुश्किल चीज़ होती है। देखिए, किसी एक शॉप पे जाके वीडियो बनाना फिर भी आसान होता है, लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस पे वीडियो बना रहे हो तो आपको 100 चीज़ों का ख्याल करना होता है कि आप, जाहिर सी बात है पब्लिक प्लेस है तो आप किसी की प्राइवेसी पे आप डिस्टर्बेंस ना कर सको, और दूसरी बात ये होगी तो 100 लोग देख रहे होते हैं, जो लोग देख रहे होते हैं ना तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको अपने काम पर कॉन्सनट्रेट करना। तो ये सारी चीज़ें देख कर आपको वीडियो बनानी होती है, तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने मुख्तलिफ स्टॉल्स वगैरह, अब देखो मेरी आदत है ना, मेरा चैनल है ब्यूटी वर्ल्ड तो उस तरह की मेरी आदत है। अब देखें यहाँ पर भी मैं जाके बिल्कुल वॉच पे जाके डिटेल आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको कोई पसंद आ रही है ना इनमें से घड़ी तो आप प्लीज़ जाके वॉच वगैरह यहाँ से ख़रीद सकते हैं, देख लें आप, रोक कर देख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे किसी भी जो है आपको आउटलेट पे अंदर जाके उसकी डिटेल नहीं बता रही, क्योंकि मेरा जो है ये ऐसा ये वाला चैनल जो है उस चीज़ का उस पर्पज़ के लिए नहीं है। तो मैंने इसमें जस्ट ना एक व्लॉग बनाया है जिसमें मैं आपके साथ अपना विज़िट शेयर कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके। अच्छा, एटीएम मॉल जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आपको यहाँ पर हर जो है तकरीबन ब्रांड जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं और बंदा इंजॉय भी कर सकता है। इसके अलावा आपको बच्चों का जो है वो प्ले एरिया भी मिल जाएगा, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। इसके अलावा ये वर्दा है, वर्दा पे भी 50% ऑफ था। अच्छा, ये जो इनका बैकग्राउंड है यहाँ का, जो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, पैटर्न स्टाइल में कलरफुल और बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक होती हैं। अगर आप यहाँ जाएँ तो पिक्चर्स ज़रूर क्लिक कीजिएगा, मैं आपको मतलब अगर आप सोशली एक्टिव रहते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स मिल जाएंगी आपको यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा मैं अंदर आउटलेट्स पे आपको नहीं दिखाया, लेकिन ये बाहर का मैं दिखा रही हूँ। इसके अलावा यहाँ देखिए, ये डेकोरेशन 14 अगस्त से हुई हुई है, तो ये 14 अगस्त की वीडियो नहीं है, मैंने तो सेप्टेम्बर के लास्ट में विज़िट किया, लेकिन ये कि आपको यहाँ पे जो डेकोरेशन है वो 14 अगस्त की अभी तक है। अच्छा, ऊपर चलते हैं हम फूड कोर्ट एरिया में, यानी थर्ड या फोर्थ फ्लोर है, मुझे फ्लोर्स हमेशा याद नहीं रहते, मैं भूल जाती हूँ। फूड कोर्ट एरिया में जो है आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपको अभी नज़र आ रहा होगा यहाँ पर एक पोर्ट रेडी हो रहा है। तो ये एक छोटी सी अंकल का आउटलेट है यहाँ पर, ये जो है मतलब आपको क्ले से जो है आपने
जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, चाहे कोई बोर्ड बनाना चाहते हैं, कोई हाउस बनाना चाहते हैं, वो बना के ख़ुद उसको जो है वो कलर्स इनके पास होते हैं तो ख़ुद जो है वो उसको अपने हाथों से रेडी करके आप लेके जा सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप बच्चों को लेके जाएंगे तो ये मतलब एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको जो है वो इंटरेस्टिंग लगती है और मतलब पसंद भी है। तो बच्चे जो है वो घर पे आर्टिफिशियल क्ले के साथ जो चीज़ें बना रहे होते हैं वो यहाँ पे जाके रियल करें, उनका अपना एक्सपीरियंस होगा और उनको मज़ा भी आएगा और मतलब एक अच्छा सा जो है मतलब यादगार जो चीज़ है ना वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे तो पर्सनली ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप बच्चों को ऐसी एक्टिविटी करवा सकते हैं, उससे बच्चे जो हैं वो उनका जो है काफ़ी अच्छा उनको लगता है। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे बहुत है, अगर आप इंटरेस्टेड हो उस तरह की चीज़ों में तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप एट्रियम मॉल जाएं। और इसके अलावा ये देखें, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ टैटूश के नाम से। अक्सर जो है वो लोग बोल रहे होते हैं कि मतलब टैटू वगैरह कहाँ से बनता है, अब आपके अपने ऊपर है कि आप इंटरेस्टेड हैं या मतलब यहाँ पे जो है वो आप जाके बनवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटी सी क्लिप इसकी भी ले ली थी कि आपके साथ शेयर कर लूँगी। इसके अलावा फूड कोर्ट पे मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाई है, बस थोड़ी सी बनाई है। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर इवनिंग का टाइम था, शाम का तो यहाँ गोलगप्पे और चाट वगैरह मंगवाए थे। खाना शाना मैंने नहीं खाया क्योंकि टाइम जो नहीं था खाने का, इसलिए मुझे जो चटपटी चाट जो है वो पसंद है और यहाँ पे गोलगप्पे मंगवा के खाए थे और आइसक्रीम खाई थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बाकी ये कि मेरा इतना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है इस तरह की वीडियोस के हवाले से, सो होपफुली आप सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँगी और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो है व्लॉग में शेयर करती रहूँगी। यहाँ मैंने किसी भी आउटलेट का जो है वो अंदर का विज़िट आपके साथ शेयर नहीं किया, तो आपने जाना हो तो आप अंदर जाके विज़िट कर सकते। काफ़ी ज़्यादा आज क्राउड था यहाँ पे, आप खाड़ी के बाहर भी आपको नज़र आ रहा होगा 30% ऑफ चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। आए दिन यहाँ पे आपको सेल वगैरह जो है वो मिल रही होती है तो आपने देख लेना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें मिल रही होती हैं। अच्छा, अक्सर जो लोग हैं वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि कराची में जो है वो मिनीसो कहाँ पर है, तो ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि यहाँ पर जो है एट्रियम मॉल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे अगर आप जैसे लास्ट में इंटर होंगे तो बिल्कुल रोड पर ही आपको मिनीसो का बोर्ड नज़र आ जाएगा। एटीएम मॉल के अंदर से भी गेट है, बाहर से भी है, तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप विज़िट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो क्लिप आपको नज़र आ रही है सेंट्रल प्लाजा की है, मैंने अपने चैनल पर होलसेल बैग्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इसका मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ, आपने अगर सदर में गुल प्लाजा देखा है, गुल प्लाजा के पीछे बैक साइड वाला जो रोड है उस पर आपको सेंट्रल प्लाजा के नाम से बिल्डिंग मिल जाएगी, वहाँ पे आपने एंटर होना है और सेकंड फ्लोर पे जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी कलेक्शन मिल जाएगी, बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत बैक ही है, आप किसी शॉप पे भी जा सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये क्लिप है जो मैं ज़रूर शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ, साबिर निहारी पर, हम निहारी ले रहे थे। अच्छा, मेरा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं है कि आपको कि किसी की जो है वो नेकी को इस तरह शो करके ज़ाया करना, नहीं, इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं इनकी मैंने क्लिप छोटी सी बनाई, लेकिन नेकी को प्रमोट करना मेरी आदत है इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। काफ़ी लोग जो हैं वो इनके पास आते हैं, सफ़ेद पोश लोग को इन्हें पैसे देते हैं और कहते हैं कि आप हमारे इसे भी खिला दीजिएगा, तो ये काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और लोगों की दुआएँ इन्हें मिल रही हैं तो अल्लाह पाक इन्हें और बरकत दे इनके काम में। तो इस तरह की चीज़ें आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप दुआओं से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।